अभी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं और वहीं किलकिला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो पता नहीं मुख्यमंत्री भी पलटी मार हो गए हैं, आज बोलते कुछ है कल बोलते कुछ है। भाव होता है लस्सी लग जाता है ना, तो बीजेपी वाला लस्सी लग गया है। तो महिला के प्रेमी है माननीय मुख्यमंत्री, महिला के प्रेमी है, महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं, उनसे आप अकेले में बतियाइएगा तो सब बता देंगे। नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप उनसे अकेले में जाकर पूछिए, वह महिलाओं के बारे में सब कुछ बताएंगे। दरअसल राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बोल बिगड़ गए, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। सीएम नीतीश को लेकर आपत्तिजनक बातों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। दरअसल सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामा के बीच अपनी बात कह रहे थे। जातीय जनगणना को लेकर इस बीच उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं का आरक्षण सबसे अधिक हमारी ही सरकार ने दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम भी करती है, जिसको लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला प्रेमी हैं, इसलिए महिलाओं की बात करते हैं। हम कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, उन्होंने ही जातीय गणना कराया, आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। तो हमारा मांग है कि उसको 9वीं अनुसूची में आप शामिल कीजिए। अभी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं और वहीं किलकिला रहे हैं, खेल रहे हैं, तो विधेयक के बारे ये तो अच्छी बात नहीं है। विधेयक के बारे में क्या कहेंगे? ये विधेयक लोगों को समझिए कि आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। ये जहाँ कहीं भी ये विधेयक आया है और पेपर लीक जो होता रहा है, ये जुड़ा हुआ है नालंदा से और एक अन्य मार्ग से होता, कहीं दूसरे जगह से नहीं होता। चलिए, हमारी मांग थी कि आरक्षण का दायरा आप महागठबंधन की सरकार में हुआ था, उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए और 9वीं अनुसूची में शामिल करके तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी मांग यही थी माननीय मुख्यमंत्री से। तब पता नहीं मुख्यमंत्री भी पलटी मार हो गए हैं, आज बोलते कुछ है कल बोलते कुछ है परसों बोलते कुछ है। पता नहीं इनको भी थोड़ा सा एगो भाव होता है लस्सी लग जाता है ना, तो बीजेपी वाला लस्सी लग गया है इनको, ये भी पलटी मार दे रहे हैं। और इन्होंने इनके नेतृत्व में ही हुआ था तेजस्वी यादव, और इनके नेतृत्व में ही आरक्षण का दायरा बढ़ा था, जातीय गणना जो हुआ था उसके आधार पर, और उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग ने मांग किया है। कोई गलत तो नहीं, महिलाओं की चर्चा चल रही, सीएम ने कहा कि महिला के प्रेमी है माननीय मुख्यमंत्री, महिला के प्रेमी है, महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं, उनसे आप अकेले में बतियाइएगा तो सब बता देंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को महिला प्रेमी बता दिया और साथ ही ये कहा कि वो महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसे अगर आपको जाननी होगी तो आपको अकेले में जाकर उनसे मुलाकात करना होगा। अब इसके बाद से सियासत तेज हो गई है और सत्ता पक्ष के तरफ से लगातार हमले भी बोले जा रहे हैं।